हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पास के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैंड एंड चिकन देही की व्याधि किस फल में होती है? याद रखना, जो एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है हैंड एंड चिकन, वह किस में होता है? तो याद रखना, जो हमारा अंगूर है तो उसमें हैंड एंड चिकन फिजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं किसकी कमी से होता है, किसकी डेफिशियंसी से देखा जाता है, तो याद रखना बोरोन की डेफिशियंसी से हैंड एंड चिकन डिजीज़ होती है, ठीक है। दोनों को आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कोई किस न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, तो बोरोन न्यूट्रिएंट की कमी से। और अगर बात की जाए किस में होती है, तो किस में होती है? अंगूर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का वजन होना चाहिए। याद रखना, इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि खजूर का जो पौधा लगाते हैं, यानी किसका प्लांट मटेरियल का प्रयोग किस तौर पर करते हैं, तो याद रखना ऑफशूट का प्रयोग करते हैं। याद रखना, प्लांट के लिए प्लांटिंग करते हैं उसके लिए जो प्लांट मटेरियल यूज करते हैं वह क्या यूज करते हैं? ऑफशूट का करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया कि ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए। याद रखना, एक क्रिटिकल होता है कि ऑफशूट का वजन इतना ही होगा तभी उसको प्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो याद रखना, जो ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए प्लांटेशन करने के लिए? 12 किलोग्राम, ठीक है। 12 किलो का होना चाहिए ऑफशूट, तब जाकर वह ससेप्टेबल होता है प्लांटिंग करने के लिए खजूर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केले की पनामा एंड उकठा रोगरोधी किस्म कौन सी है? तो याद रखना, जो विल्ट या पनामा डिजीज होती है उनके प्रति जो रेजिस्टेंस है वह कौन सी वेराइटी है? पुअन, ठीक है। कई बार आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिलेगा कि पुअन किसकी किस्म है, तो याद रखना केले की है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास किस कुल का पौधा है? तो अब आप जानते होंगे कि कपास, तो कपास मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। किससे बिलोंग करता है? मालवेसी। और एक यह क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट भी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं कि कपास मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है और एक डे न्यूट्रल प्लांट भी है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की एक बोल का वजन कितना होता है? याद रखना, जो कपास में जो फ्रूट आता है उसी को क्या किस नाम से जाना जाता है? बोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो उसका फ्रूट होता है उसको बोल के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की गई जो एक बोल होता है, ठीक है, एक बोल का कितना वजन होना चाहिए? तो याद रखना 170 किलोग्राम होता है। अब इसे कैसे याद रखोगे? याद रखना, कपास और जूट दोनों में बोल होती है, ठीक है। दोनों का वेट कितना होता है इसको भी आप इससे याद रखना कि क्या होता है? कम, ठीक है। कपास से बनेंगे हम कम, ठीक है। कपास और जूट दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कपास और जूट दोनों में एक एक बोल होती है, ठीक है। दोनों का कितना वेट होना चाहिए? अगर बात की जाए जूट की, ठीक है, तो जूट की जो एक बोल होती है ना उसका वेट होता है 180 किलोग्राम, ठीक है। कपास का होता है 170 किलोग्राम। अब इसे कैसे याद रखोगे आप? याद रखना कपास यानी कम, तो कम यहाँ पर ट्रिक यूज होगी। कम यानी कपास की क्या होती है? 170, 180 से कम होती है, तो ये कम किस में यूज आएगा? 170 किलोग्राम होता है कपास की एक बोल का वजन, ठीक है। दोनों आपको क्वेश्चन याद हुए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत गिंडार किस फसल का मुख्य नाशी कीट है, ठीक है। तो क्या याद रखना है? श्वेत गिंडा सबसे ज़्यादा जो डैमेज करेगी ये होती है पैक को करती है, अर्थात पैकिंग किस में होती है? मूंगफली में। तो श्वेत गिंडा सबसे ज़्यादा डैमेज किसे करेगी? मूंगफली को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाणित पीस पर टैग लगा होता है। याद रखना, टैग से संबंधित एक या एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो याद रखना, जो प्रमाणित पीस होता है अर्थात जो किसानों को प्रोवाइड किया जाता है NSC संस्थाओं के द्वारा, तो उस पर कौन सा टैग का कलर लगा होता है? याद रखना नीला होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव और मोनेटो किस फसल की प्रमुख किस्म है? याद रखना, गौरव और मोनेटो कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। ये वेरायटी मुख्य वेरायटी है किसकी? सोयाबीन की, ठीक है। गौरव हो, मोनेटो, ब्राग और ली और कैंट। याद रखना, ब्राग, ली और कैंट और गौरव और मोनेटो, ये मुख्य वेरायटी है किसकी? सोयाबीन की। तो इन सभी को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर में प्रूनिंग कब करनी चाहिए? याद रखना, अंगूर और बेर दो ऐसी क्रॉप है जिनमें सबसे ज़्यादा प्रूनिंग की जाती है। याद रखना कि अंगूर और बेर सबसे ज़्यादा इनमें प्रूनिंग अप्लाई की जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कब करनी चाहिए, तो अंगूर की अगर जब भी बात आए, याद रखना कि अंगूर की जब भी बात आए तो सबसे ज़्यादा कब करेंगे? जनवरी में, ठीक है। और अगर बात की जाए आपसे बेर, तो बेर में सबसे ज़्यादा प्रूनिंग कब करनी चाहिए? याद रखना अप्रैल मंथ में। मंथ आपसे पूछा जाएगा, याद रखना कि बेर में कब प्रूनिंग करनी चाहिए?
अप्रैल के मंथ में, और अगर बात की जाए अंगूर की तो अंगूर में कब करेंगे, जनवरी के मंथ में, ठीक है। तो दोनों को विशेष ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान होता है, याद रखना दही जमने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। सबसे पहले याद रखना कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ससेप्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन अब याद रखना दही जमने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात जिम्मेदार होता है, जिसके कारण दही जमता है। तो याद रखना कौन सा होता है, लैक्टोबेसिलस। दोनों क्वेश्चन को आप याद रखना कि जो लैक्टोबेसिलस जो बैक्टीरिया होता है वह दही को जमाने का कार्य करता है, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तो कैसे लगे आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।